ശരി. പഹലി ബാത് തോ യേ കി ആപ് ലോഗോ കെ സാത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ജബ് മൈനെ പഹലി ക്ലാസ് ലി തി തോ ഉസ് വഖ്ത് മൈനെ ആപ് ലോഗോ കോ ശായദ് ബതായാ താ കി മൈ ബഡേ അർസേ തക് സീനിയർസ് കോ പഠാതാ റഹാ ഹൂം, ഔർ ജൂനിയർസ് കോ ജബ് മൈനെ ബാച്ച് 17 സേ പഠാനാ ശുരു കിയാ താ തോ മുജേ ബാക്കായദാ അപ്നേ സീനിയർ ഫാക്കൽട്ടി മെമ്പേഴ്സ് കി തരഫ് സേ ജോ കി അബ് എച്ച്ഒഡി ഭീ ഹോ ജായേംഗേ, ഹഫീസ് സാഹബ് നേ മുജേ കഹാ താ കി ആ ഹൗലാ രഖേ തോഡാ സാ, ठीक है, थोड़ा गुजारा करें इनके साथ वरना वो होते हैं. तो मेरा तरीक़ाकार सीनियर्स को पढ़ाने का थोड़ा फ़र्क है और जूनियर्स के साथ मैंने थोड़ा कोशिश की थी कि थोड़ा सा गुजारा करें. तो अब चूंकि आप लोग जूनियर्स नहीं हैं तो आप लोगों के साथ जो तरीक़ाकार होगा वो होगा जो कि सीनियर्स के साथ आमतौर पर होता है, जो कि समझदार लोग होते हैं. ठीक है, प्राइमरीली फ़र्क ये है कि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी. मेरी शाकिर साहब के साथ भी काफ़ी बहस इस पर होती रही, जिन लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन है तो उनको शायद अंदाज़ा है कि शाकिर साहब काफ़ी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें. ठीक है, वो चाहे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, होते हैं या नहीं होते वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट करें. तो वो चीज़ उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि वो मुझे कहें कि ये काम करो, लेकिन मुझसे होती नहीं है. तो सर मेरी पीपल स्किल थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से होती नहीं है, लेकिन इन एनी केस एटलीस्ट कोशिश मैंने की थी. जूनियर्स जब तक आप लोग थे या 17 वाले जब तक जूनियर्स थे तो उनके साथ कोशिश की थी कि थोड़ा वो किया जाए, लेकिन चूंकि मेरी नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है वो काम करने की लिए तो मुझे मुश्किल होती है. तो अब चूंकि आप लोग मैं कंसिडर करूँगा कि जूनियर्स नहीं हैं, अब आप लोग सीनियर्स हैं, तो मैं मोटिवेट थोड़ा कम करूँगा. बाकी तरीक़ाकार ऑलमोस्ट वही होगा. मेरे ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मोटिवेशन वाली जितनी बातें थी जो कि हम थियोरेटिकली करते हैं कि ये बात इसकी, ये मोटिवेशन इसकी मोटिवेशन है, वो हम आज कर लेंगे और उसके बाद देन इट विल बी कॉन्टेंट, इट विल बी अ टेक्निकल डिस्कशन ऑफ वॉट एवर वी डिस्कसिंग. ठीक है जी, तो अगेन दैट इज़ नॉट टू से कि आप कहीं पे ये नहीं पूछ सकते कि काम हम क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन वो जो जिस तरह बच्चों कहते हैं ना कि नहीं बच्चे सबक पढ़ना चाहिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो वो नहीं पढ़ते ना पढ़े बाद में. ठीक है, तो जनरली दैट इज़ वॉट माई अप्रोच इज़. मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था, अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल शायद हो जाए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अटेंडेंस की पॉलिसी के खिलाफ मैं रहा हूँ काफ़ी अरसे तक, तो मैं अटेंडेंस लगाता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि उसका फ़ायदा है अटेंडेंस लगाने का, तो मैं फिर अटेंडेंस को थोड़ा सा सीरियसली लेने भी लग गया था. लेकिन अगेन इट्स पार्ट ऑफ मोटिवेशन कि भाई आपको आना चाहिए क्लास में, नहीं आते ना. ठीक है, तो दैट्स जनरली थोड़ा सा फ़र्क जो आएगा उसके अंदर, क्योंकि आप लोग पहले मेरे से पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ. दूसरा, कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ है, आप लोगों के जहन में कुछ सवाल होंगे जो कि अभी दो लोगों ने पूछ भी लिया तो वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक फ्लो में जाएंगे. तो पहली बात तो ये है कि आपके कोर्स का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सो एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट इट यूज्ड टू बी. ठीक है जी, अगेन आई डोंट केयर, शोर मचाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हुआ करता था, नाउ इट्स कॉल्ड नॉट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, नाउ इट्स कॉल्ड जस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स. आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बैच 19 में कोर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं. ठीक है, 17 तक और हाला सॉरी 17 अभी बैच 19 चूँकि आया तो हमारे जहन में वो घूम रहा होता है. तो बैच 18 में सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं सिलेबस के अंदर, सीएस के भी और इंजीनियरिंग के भी तकरीबन सालों में. 17 तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता था और इसका जो क्रेडिट्स थे दैट वॉज 3 क्रेडिट का कोर्स था. अब ये हो गया 3+1, तो लैब भी आ गई. तो आई एम फेयरली श्योर कि जो 17 वाले हैं वो लैब नहीं लेंगे. क्या सिचुएशन है, आपकी भी लैब है तो अच्छी बात है, ले लें, क्योंकि उसके बगैर काम चलेगा नहीं. लेकिन एटलीस्ट प्रोग्राम में नहीं है कि नहीं, प्रोग्राम में भी है, प्रोग्राम में नहीं है लेकिन आप लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए. ठीक है, लेनी चाहिए. एनीवे, सो एक ये मेजर डिफरेंस है आपका. तो दूसरा फ़र्क ये है कि इसको अब कर दिया लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स. पूरी दुनिया में कहीं भी डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम से कोर्स नहीं पढ़ाया जाता. ये जो चेंजेस आप लोगों के उसमें की गई हैं उसमें मुझे बड़े फंडामेंटल किस्म के इख्तलाफात हैं जो कि हमारी लड़ाई ऊपर होती रहती है अक्सर लोगों के साथ, तो वो अपनी जगह पे. लेकिन पूरी दुनिया में दिस कोर्स इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. अकेला डाटा स्ट्रक्चर कोई चीज़ नहीं होती, जैसा कि हम आगे देख लेंगे थोड़ा सा. एनीवे, आपके प्रोग्राम में इसका नाम डाटा स्ट्रक्चर्स है. सही है, आप लोग तो वैसे भी डाटा ही कहते हैं तो आगे 3-4 अल्फाज और भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो द कोर्स इज डाटा स्ट्रक्चर्स. इसका कोड जो है इट यूज टू बी CS201 विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस, नाउ इट्स CS218 विच इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्ररी. इट मेक्स नो सेंस के 218 क्यों है, लेकिन बहरहाल चूँकि ऊप 217 है तो इसलिए 218 है. ठीक, तो जो सेंस होना चाहिए कोड का वो इसमें नहीं है, लेकिन इन एनी केस इट्स 218. आई एम फेयरली श्योर इट्स 218, कहीं पर गलत हो जाए तो बता. राइट, सो कोर्स की कॉन्टेंट के हिसाब से आप लोगों का, बाय द वे जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, ये सेक्शन एक ही है. अगर कहीं पर फ्लेक्स दो सेक्शन शो कर रहा है तो दो नहीं है, एक ही सेक्शन है. वो एक सेक्शन भी पूरा नहीं हो रहा तो दूसरा सेक्शन किधर से आएगा. ठीक है जी,
कोशिश करें कि बहुत सारे लोग फेल ना हो जाएं, क्योंकि आगे हमें बड़ी मुसीबत होगी फिर, ठीक है। 15 लोगों के हम रेगुलर बैच नहीं चला सकते, कोशिश करें ज़्यादातर लोग पास हो जाएं ताकि हम लोग आगे फिर बैच चला सकें, सही है, मेहरबानी करें। हाँ जी, मुझे पता है, मैं भी मेहरबानी करूँगा। खैर, विच ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट। आप लोगों को अगेन याद तो नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि हर सेमेस्टर में आपका कोई एक आध कोर्स इस तरह का होता है विच इज़ एसेंशियल, ठीक है, उस कोर्स के बगैर काम नहीं चलता, ठीक है जी। कुछ कहा था, याद पड़ता है इस तरह का? पहले उसमें कहा था कि आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, दूसरे में कहा था ऊब है, तीसरे सेमेस्टर में वो कोर्स डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप लोगों के प्रोग्राम में अगर आप प्रीरेक्विजिट्स वगैरह को देखें तो आगे तीन कोर्सेज आते हैं आपके जो कि इसके प्रीरेक्स हैं, ठीक है जी। एक आपका डाटाबेस आता है जिसका प्रीरेक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटाबेस है, एडवांस सॉरी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये तीन कोर्स हैं जिनका प्रीरेक डाटा स्ट्रक्चर्स है, लेकिन अदर देन दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स जो है दैट इज़ वियर्ड इन द सेंस, बाय द वे, जो इस सेमेस्टर में आपका कोर्स है जिसके ऊपर आपको जोर देना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, दैट इज़ कोर, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, असेंबली लैंग्वेज, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आगे हालात फिर ख़राब होंगे, ठीक है जी। तो बाय द वे वो कोर्स है आपका जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स थोड़ा सा, ये बाय द वे मैं इस पॉइंट के ऊपर चल रहा हूँ, अभी कोई इसको फॉलो कर रहा है तो, डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स जो है वो एक वियर्ड इस सेंस में है कि अगर आप डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है, तुके तुके पे पास कर देंगे यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू नेवर हैव टू डू दिस अगेन एवर इन योर लाइफ, मोस्ट ऑफ दिस स्टफ, ठीक है, कभी नहीं करना पड़ता। लेकिन वो लोग जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है उनमें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया उनमें फ़र्क होता है प्रोफेशनल और एमेचर का। एक टाइम पे मैं यहाँ पे पढ़ाता था एडवांस प्रोग्रामिंग, तो तकरीबन आप ही के भाई बहन थे वो भी, तो तकरीबन मेरा ख्याल है सेकेंड सेशन जब हो गया तो इसी जगह पर मैं खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे याद है, इधर एक साहब बैठे हुए थे दूसरी रो में। मैंने कहा सर ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं, मैं सिमुलेशंस और पता नहीं क्या क्या फजूलियात पढ़ा रहा था उनको। मैंने कहा सर आप हमें ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम बस वेबसाइटें बनाएंगे ना, अपने बीएस करके हम बस वेबसाइटें बनाएंगे, पैसे तो उस पर भी आते हैं। मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं था, बिकॉज द पॉइंट वॉज वेरी वैलिड। तो डाटा स्ट्रक्चर्स भी इस तरह का है कि अगर आपने बीएस की डिग्री नहीं ली, आप कंप्यूटर साइंस में बड़े अच्छे तरीके से, आपको पता है, बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जॉब पर भी लग सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जाएंगे वहाँ पर आपसे कोई बीएस की डिग्री नहीं मांगेगा, अगर आपको काम आता है आप लग जाएंगे, चल पड़ेंगे। लेकिन जो बीएस की डिग्री का जो फ़ायदा है वो चंद कोर्सेज से आता है, और उनमें से एक डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो जितना डाटा स्ट्रक्चर्स जिस बंदे को अच्छा आता है उतना अच्छा वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आसान अल्फाज में वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि एक वो बंदा जिसने वेबसाइटें सारी उम्र बनाई है वो सॉल्व नहीं कर सकता। इवन वेब की साइड पर भी डाटा स्ट्रक्चर्स जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो यू नेवर हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग एवर अगेन इन योर लाइफ, ठीक है जी। इसमें से बहुत सारे काम हम देखेंगे जो कि आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करने पड़ते, ये एक ही दफ़ा इसी कोर्स में ही करने पड़ते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर ये एक दफ़ा भी नहीं करेंगे तो फिर आप में और उसके अंदर फ़र्क, वही फ़र्क रह जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए ना पढ़े हुए में वही फ़र्क है जो कि मैकेनिक और इंजीनियर में होता है, ठीक है। मैकेनिक को बड़ा अच्छा काम आता है, इंजीनियर्स अक्सर गाड़ियों वगैरह में, मैकेनिक ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, इंजीनियर बैठ के अपनी थ्यूरियाँ लगाता रहता है उसके ऊपर, मैकेनिक जो है वो चीज़ ठीक कर देता है अपने तजुर्बे से। लेकिन गाड़ी बनाना मैकेनिक का काम नहीं है, वो बनाना फिर इंजीनियर का काम है, ठीक है जी। हमारे यहाँ वो इंजीनियरिंग नहीं होती, लेकिन काम इंजीनियर का, ठीक है जी, ये बात समझ आई है। तो कोल का सब्जेक्ट आपका ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है इन द सेंस कि उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है, ठीक। लेकिन आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स, इसके अंदर जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा इसको इसका आपको बेनिफिट मिलेगा अपनी बीएस की डिग्री का, सही जी। इसी से जो डायरेक्टली रिलेवेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो थ्रू आउट फास्ट में जो डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स रहा है दैट हैज़ टिपिकली बीन कंसिडर्ड अ वेरी गुड कोर्स, ठीक है जी। तो जो मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में कहा था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के करिकुलम में मैंने कुछ काम करना था, इस वजह से मैंने वो उठाया और उसके अंदर फिर जो कुछ भी किया वो तो बेड़ा गर्क हो गया लोगों का, लेकिन बहरहाल मैंने वीडियोज़ बना ली कम अज़ कम। और फिर ऊप में भी ये था कि आई वॉन्टेड टू रिवाइज द करिकुलम, तो डाटा स्ट्रक्चर्स का करिकुलम तो पहले से बहुत अच्छा था, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि भाई, और मैं खुद अभी आप लोगों के सामने एडमिट करता हूँ कि फजल बासित साहब के कॉन्टेंट के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। मतलब जिस किस्म का डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जिस लेवल पर पढ़ाया जाता है उसमें कोई कमी नहीं थी। तो फिर इस डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूँ, ये मुसीबत आप लोगों के ऊपर क्यों आई है, इस सवाल का मैं आपको थोड़ा जवाब दे दूँ। वो ये है कि आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है और एटलीस्ट कुछ साल तक पहले तक जिस तरीके से पढ़ाया जाता रहा है और पाकिस्तान में अभी भी पढ़ाया जाता है, दैट इज़ that you start with C++ that you cover in object oriented programming or CP
एंड देन यू कम ओवर हेयर और आप यहाँ पे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लिंक लिस्ट वगैरह बनाते हैं, आप ट्रीज बनाते हैं, आप आगे कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं वो करते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा आपको डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं, ज़्यादा ट्रीज पढ़ाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी होंगी पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, शायद लम्स में होता हो, लेकिन किसी किसी जगह पर आपको ग्राफ कट्टा चेक दे दिया जाता है, ठीक है, ग्राफ थोड़ा बहुत आ जाता है। जैसा कि अभी तक तो आप लोग मुझे जान ही गए, मुझे कीड़े निकालने का शौक है, तो आई हैव अ फंडामेंटल डिफरेंस विद दिस एटीट्यूड टूवर्ड्स डाटा साइंस, डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाने का तरीका गलत है, ठीक है, वहाँ कहेंगे ये बड़ा अलामा आ गया कि डाटा तरीका गलत है, सारे लोग इस तरह कर रहे हैं। सारे लोग असल में कुछ अरसे पहले तक इस तरह कर रहे थे, रिसेंटली अगर आप उठा के देखें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज, तो उसमें आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो कि मैं भी आपको बताने लगा, जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स उठाया है। वो ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में इस तरह की हैं विच आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, देर एकेडेमिक, इफ़ यू अंडरस्टैंड देम यू आर अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है, अगर आपको वो आती हैं तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रोफेशनल और एमेचर के अंदर वो फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली दे आर नेवर यूज एनीवेयर एट ऑल। एक फ़र्क होता है ना, एक चीज़ कम इस्तेमाल होती है, एक चीज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आगे आपको बता दूंगा फिर वो, उनमें से कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जिनके ऊपर कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते हैं यहाँ पे हमारे, हमारे से मुराद है किसी भी अच्छे प्रोग्राम में, जो नहीं पढ़ाते उनको तो नाम ही नहीं पता होता, ठीक है, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो उसके ऊपर 2 से 3 हफ्ते लगाते हैं, स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझाते हैं, स्टूडेंट्स वो समझ जाते हैं, देर बेटर ऑफ फॉर इट, उनका बहुत फ़ायदा होता है उससे, बट दे नेवर यूज इट एट ऑल। उससे दूसरी साइड पर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं विच यू हैव टू नो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि 2-3 हफ्ते हमने इस कंटेंट के ऊपर लगा दिए, तो वो जो नीचे की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हर बंदा अप्लाई करता है, वो नहीं आती फिर। टाइम नहीं बचा ना, 4 महीने का टाइम था आपके पास, 3.5 महीने का टाइम था, वो ख़त्म हो गया आपके पास टाइम, तो वो आपके पास टाइम आता ही नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जो कि मैं भी थोड़ा सा आपको तफसील से बताता हूँ, आज बहुत लंबी तकरीर सुनेंगे तो इसका खैर तकरीर ही है सारी, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं जो कि दरमियान में जिनके ऊपर हम 2-3 हफ्ते लगाते हैं, ज़रूरी हैं, उनके ऊपर कोई शक नहीं है। जिसने पढ़ाया बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो लोग थके हैं वो नहीं पढ़ाते, जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने अच्छा किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जो कि इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो कवर क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर भी ये वाले मसाइल मुझे कुछ लोगों के साथ हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे इख्तलाफ ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम था, लेकिन ये चीज़ें, वो टॉपिक्स मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, ये जो मैं हटाने वाली बात कर रहा हूँ डालने वाली, तो मैं चाहता ये था कि वो वाले टॉपिक्स हम कंटेंट के अंदर डाल दें, ताकि वो चीज़ें जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको वो किया जाए। मसला ये है कि जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं सी या सी प्लस प्लस के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसा कि पिछले सेमेस्टर में आप लोग देख भी चुके हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा था, कि लैंग्वेज के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा है। आपका पॉइंटर है, विंडोज़ पे अलग काम कर रहा है, लिनक्स पे अलग काम कर रहा है, एक जगह पे एक छोटी सी बात आपसे मिस हो गई, सेमीकोलन मिस हो गया, या ऐसी कोई चीज़ मिस हो गई विच हैज़ नथिंग टू डू विद द लॉजिक, लैंग्वेज के साथ लड़ाई आप कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर स्ट्रिंग डॉट एच लिखना है या स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, इट्स नॉट अ टेक्निकल इशू, वो ये है कि जी बस सर्च करना है और उसको वो करना है, ठीक है। वेक्टर की हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, उसके अंदर भी हमने देखा कि जी आपने उसको बताना है कौन सा आपने वैल्यू डिलीट करनी है, तो एट बिगिन करके यहाँ से घुमा के जाओगे थोड़ा सा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लैंग्वेज का बैरियर की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उन फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर करने में। सो द सोल्यूशन, अगेन दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड सो आई शुड बी केयरफुल, लेकिन द सोल्यूशन विच हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द बाय हूएवर अप्रूव्स इट, ठीक है, इज टू गो विद पाइथन, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं वापस, सो द लैंग्वेज ऑफ चॉइस नाउ इज पाइथन, ठीक है, वो काफ़ी मशहूर है आजकल, ठीक है, कि क्या है रन फ्रॉम इट या क्या क्या फलाना फलाना फलाना, डेस्टिनी आपकी आगे, सही है। सो द लैंग्वेज ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी पाइथन। उसकी मैं आपको थोड़ा सा, कुछ लोगों को इसके ऊपर एतराज़ भी होगा, होना चाहिए भी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपने जस्टिफिकेशन इसकी देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि मुझे भूल गई है, मैं देख लूँ, वो लैंग्वेज की स्ट्रेंथ है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। लोग डाटा स्ट्रक्चर्स क्यों कहते हैं सी सी प्लस प्लस में पढ़ाना चाहिए, पहले तो सी में कोई नहीं पढ़ाता, सारी दुनिया सी प्लस प्लस में पढ़ाती है, ठीक है, सी में कोई नहीं पढ़ाता, इतना कोई माइकल लाल नहीं है जो कि सी में पढ़ाएगा, ठीक है। उमर साहब जब अप्लाई करवाते हैं ना, अप्लाई करवाते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एमएस पीएचडी में, वो सी में करवाते हैं, वो जिन लोगों ने पढ़ा ना उनसे, तो वो भी कहते हैं कि मत कर, क्योंकि सी में दिल का वो जोर मांगती है वो चीज़, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में लोग करते हैं, वो क्यों कहते हैं, वो कहते हैं जी पॉइंटर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट को, अगर आप किसी और लैंग्वेज में करवाएंगे तो उसको पॉइंटर समझ नहीं आएंगे, उससे रह जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई कंकर, आई एग्री 100%,
करवा दिया आपको, करवा दिया पिछले सेमेस्टर में, ठीक है, गल मुक गई। इस्तेमाल आपने वैसे भी कहीं नहीं करना ज़िंदगी में, पता होना चाहिए था, करवा दिया आपको, भूल गया, खैर है, वैसे बाकी चीज़ें कौन सी याद है, ठीक हो गया। तो जो एक पॉइंट था ना जिसके ऊपर मैं अग्री करता हूँ कि पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी हैं, बंदे को पता होने चाहिए, वो हमने इतना उसको रगड़ा दे दिया पिछले सेमेस्टर में कि बस बहुत है, उससे ज़्यादा और अगर उस वक्त नहीं सीखा तो बस अब और भी नहीं सीखना हमने, सही हो गया। तो दैट इज़ द वन पॉइंट जिसकी वजह से मैं एग्री करता हूँ कि सी प्लस प्लस में होना चाहिए, हो गया। आपके पास न्यू का आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, पता है, डिलीट पता होना चाहिए, मेमोरी फ्री करनी चाहिए, सारी कहानी हम तफसील से कर चुके, ठीक हो गया। आप लोगों को मेरे यहाँ पे पढ़ाने की वजह ये है क्योंकि आप लोगों को मैं ये कॉन्टेंट करवा चुका हूँ। अगला जो बैच आने वाला है आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मैं नहीं पढ़ा रहा। चूंकि मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नहीं पढ़ा रहा तो आई हैव नो आइडिया कि उसका कंटेंट क्या होगा, ऊप का कंटेंट मुझे नहीं पता क्या होगा। तो जब अगली दफ़ा बैच 19 यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स में आएगा तो मैं ये बात उनको पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस वजह से आप लोगों की लॉटरी निकली है, ठीक है, कि आप लोगों की मुसीबत ये आ गई आप लोगों के ऊपर कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, ठीक है जी। तो ये रैशनल है आप लोगों के पास। तो दी प्राइमरी रीज़न इज़ लैंग्वेज की स्ट्रेंथ कि पाइथन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ सकते हैं। आपने अगर लिंक लिस्ट बनानी है तो यू स्टडी द प्रॉब्लम और उसको आप सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज के साथ लड़ाई बड़ी थोड़ी है सही, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक जगह पे आएगी बड़ी गंदी लड़ाई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है, बाकी लड़ाई जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, ठीक है, ये एक बात होगी। नंबर दो, मार्केट, बाकी दो भी हटा लें, ऐसा ना हो कि मैं आपको दोबारा बात करूँ। सो मार्केट जो है आपके पास सी सी प्लस प्लस की मार्केट नहीं है, कोई काम नहीं करता सी सी प्लस प्लस में, ठीक है, अनलेस यू गो इन टू गेम, नहीं, गेम डेवलपमेंट भी अब ज़्यादातर उसमें नहीं है, ठीक है, और लैंग्वेजेस में, लुआ वगैरह में, उन चीज़ों में। एक ज़माने में मैंने खुद ये बात की भी है कि इफ़ यू गो इन टू गेम डेवलपमेंट सी प्लस प्लस होती थी, लेकिन अभी फेयरली रिसेंटली गेम डेवलपमेंट में भी बड़ी लिमिटेड जगह पर सी सी प्लस प्लस है, ज़्यादातर लुआ वगैरह। जावा कर सकते थे, यस, जावा इज अनदर गुड ऑप्शन। जावा में भी मसला है कि सिंटेक्स थोड़ा ज़्यादा है, तो इट्स क्लोजर टू सी प्लस प्लस, इट्स मच बेटर देन सी प्लस प्लस, लेकिन पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से अच्छी है। मैं इसके जवाब थोड़े और भी तफसील से देता हूँ आगे वाली बात में, ठीक है। जिन्होंने कहा कि सी प्लस प्लस गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, डॉट नेट इस्तेमाल होती है, आई एग्री, ठीक है। उसके अलावा लुआ वगैरह ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं ना आपके पास, ज़्यादातर लुआ पे चलते हैं और लैंग्वेज पे हैं, सी प्लस प्लस पे बहुत कम काम है, ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो सी प्लस प्लस आपको वैसे भी नहीं आती, ठीक है, वो करवाते हैं ओपन जी एल पे, डायरेक्ट एक्स पे, आपको नहीं पता वो क्या होता है, उसका इस सी प्लस प्लस से ताल्लुक सिंटेक्स किया था कि बस ब्रैकेट्स होने चाहिए, इतनी बात है, और उसके अलावा बाकी उसकी अपनी कहानी है, ठीक है। जिस तरह आप यूँ समझे ना कि अगर आपने कभी वेक्टर नहीं देखा, सी प्लस प्लस का वेक्टर जो हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपने कभी भी नहीं देखा और आपको उसके सामने बिठा दिया जाए तो आप यूज़ नहीं कर सकते अनलेस यू लर्न इट, ठीक है। तो इसी तरीके से गेम डेवलपमेंट यू हैव टू लर्न लैंग्वेज का उसके अंदर। जावा इज़ अ गुड ऑप्शन। जावा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया भी था कि ऊप के अंदर मेरा इरादा था कि मैं आपको जावा में ऊप करवाऊँ, लेकिन वहाँ पे बड़ी लड़ाई के बावजूद भी कोई नहीं माना तो मुझे छोड़ना पड़ा। इस दफ़ा बहुत लड़ाई के बाद लोग पाइथन पे नहीं माने, मैंने कहा खैर है बाद में अपोलोजाइज़ कर लेंगे, वो मसला नहीं, ठीक है। तो अगर शिकायत किसी ने करनी हो तो जाके इस बात पे कर सकते हैं कि सर तो पाइथन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट लाइकली उनको याद नहीं होगा अभी तक, ये बात मैंने ईद से पहले की थी तो अभी तक उनको याद नहीं, तो मैंने कही थी, उन्होंने मानी नहीं, फिर उसके बाद मैंने भी नहीं मानी। सो एनी वे, सो दैट्स द सिचुएशन। मार्केट पाइथन की बहुत ज़्यादा है, आप जिस एरिया में जाएंगे आपको पाइथन मिलेगी, ठीक है, जिस एरिया में जाएंगे आपको पाइथन मिलेगी। उसका सबूत मेरे पास थोड़ा सा ये है कि आपके मैंने जो आपके सीनियर्स गुजरे हुए हैं, और सिर्फ इमीडिएट सीनियर्स नहीं, मैंने आप लोगों ने नाम शायद सुने होंगे, एजाज़ यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट गुजरा हुआ, आई थिंक बेस्ट 12 का, अभी बी एम एस का हमारा स्टूडेंट है, उससे मैंने मशवरा किया जब मैंने ये खिचड़ी पकाई, तो मैंने कहा कि पूछना चाहिए जो लोग मार्केट में रह चुके हैं। तो एजाज़ अभी भी प्रैक्टिकल काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी उसने काफ़ी टाइम गुजारा है। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं पाइथन के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो एजाज़ ने तो ये कहा कि खामखा पाइथन में ही करें, सही। फिर मैंने अवैध से पूछा, चिश्ती जानते हैं अगर आप, मशहूर बंदा है, ठीक है, बड़े अरसे तक मशहूर रहेगा, 10 दफ़ा तो मैं नाम लेता हूँ क्लास में उसका, उससे मैंने पूछा, उसने भी मुझे कहा कि पाइथन में ही करें क्योंकि पाइथन में फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोगों के भी जो टीए थे लास्ट टाइम फैसल, उससे भी मैंने पूछा, तो फैसल ने ये अल्फाज जो यहाँ पे आप डबल कोट्स में लिखे हुए हैं, उसने मुझे मैसेज वॉइस मैसेज किया था, उसके साथ मैं बात कर रहा था, उसने मुझे ये अल्फाज कहे कि सी प्लस प्लस तो मर गई है, सी प्लस प्लस इज़ डेड, इंग्लिश में कहा उसने कि सी प्लस प्लस इज़ डेड, कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है तो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द लैंग्वेज, बट इफ यू ऑलरेडी सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट्स मच ईजियर। बात समझ आ रही है ना, लिंक लिस्ट हमने वेक्टर सी प्लस प्लस में भी कर लिया, माइनर फर्क था ना, कोई फर्क तो नहीं था, वही हम अपेंड कर रहे थे, वही चीज़ें रिमूव उसमें से कर सकते थे, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है पाइथन में पहले से, तो इंडस्ट्री में जाके आपको ज़्यादा आसानी रहेगी उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं,
काफ़ी जो भी मार्केट में जो लोग हों उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये हरकत हो रही है हमारे पास। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, उनसे नहीं पूछेंगे, उनको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उनको हमारे जैसे टीचर बोल रहे होते हैं जिनको कुछ खुद नहीं पता। सही है जी। तो ये वाली हरकत आपको पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में इस्लामाबाद कैंपस वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स की अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है कि कोई बंदा पाइथन में ये हरकत, ये बेवकूफ़ी किसी ने पहले की हो। तो अगेन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ तजुर्बात होते हैं, आप लोगों पर ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो एक तजुर्बा और सही है, क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स द होल रैशनल फॉर पिकिंग पाइथन। आप लोगों को एतराज़ात हों, कोई सवाल हों, बिल्कुल कर सकते हैं, और डिस्कशन इज़ ओपन, बट करनी पाइथन ही है। मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। जी, एग्जैक्टली, जी, वो हम यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्लास में देखेंगे कि व्हाट्स द पैरेलल, कि लिंक्ड लिस्ट जो हमने पीछे वहाँ पे उसमें बनाई है, C++ में बनाई है, उसके और इसके कोड में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे कि देर इज़ वेरी माइनर डिफरेंस। मैंने आप लोगों को पहले बताया था लास्ट टाइम भी ये, कि पॉइंटर्स होते हर लैंग्वेज में, हम उनको पॉइंटर कहते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि पॉइंटर होता है, हम उसको पॉइंटर कहते नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं वो होता पॉइंटर ही है, ठीक है जी। सर, आते हैं उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लैंग्वेज की चॉइस की बात होगी कि लैंग्वेज हम लोगों ने ये चूज़ क्यों की हुई है। थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पे वापस चला जाऊँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को इस किस्म की एक तस्वीर मैंने दिखाई थी, ये तो बैच 17 से है, लेकिन 18 में भी मैंने यही चीज़ दिखाई थी, 18 ही है ना, हाँ 18 में भी मैंने इसी किस्म की कोई चीज़ दिखाई थी। तो मैं थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू एक दे दूँ कि हम अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसको साथ साथ देखते रहें, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके बाद इसको कहीं पकौड़ों वाले को भेज दिया होगा कागज़, लेकिन मैं आपको दोबारा ज़रा रिमाइंड करा दूं कि हम लोग अभी तक जो चीज़ें देख चुके हैं तो वो यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि दोज़ वर एसेंशियली फंडामेंटल सारे के सारे। अब जो हम काम शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ओवर हेयर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो किसी न किसी पैकेट के अंदर बंद की जाती है। उस वक्त हमने लफ्ज़ कहा था ना, पैकेट के अंदर बंद करके करते हैं, ठीक है। तो अब उस पैकेट को हमने खोलना है कि वो पैकेट की शक्ल किस किस्म की होती है, किस किस किस्म की शक्लें हो सकती हैं पैकेट्स की, और उसको हमने इस कोर्स के अंदर तफसील से देखना है कि किस शक्ल का क्या फ़ायदा है, किस शक्ल का क्या नुकसान है, किस जगह पे क्या किस किस्म का डब्बा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारे डब्बे यहाँ पे आएंगे। इसके इसी के साथ आप लोगों के पास यहाँ पे ये कोर्स है जो कि इसी सेमेस्टर में चल रहा है, तो वो भी बता देता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, कि आपके पास ये जो लो लेवल कम्युनिकेशन है CPU की आपके कीबोर्ड के साथ, आपके CPU की इंटरनल वर्किंग, आपके CPU की आपके जो पेरिफेरल्स हैं जितने भी, उन सारों के साथ जो कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी किस तरीके से होती है, तो वो आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज के अंदर आएगी। CPUs के इंटरनल्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपके, हमने ये बात की थी कि हम इधर से, किस्सा याद हो तो ठीक है, नहीं या तो खैर दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि यहाँ से हमने पैकेट इस्लामाबाद भेजना है, तो यहाँ से हम पहले इसको लेट से पबी या नौशहरा भिजवाएंगे, और वहाँ से फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो मैंने नौशहरा क्यों सिलेक्ट किया, कोहाट क्यों सिलेक्ट नहीं किया, ये हमें यहाँ पे इस कोर्स में पता चलेगा, ठीक है जी, आइडियली, ठीक है, कि वो क्यों हमने किया, ये क्यों नहीं किया। हमें तो समझ आती है ना कि भाई इस्लामाबाद उस तरफ है, उसी तरफ है, किस तरफ है, जिस भी तरफ है, ठीक है। तो उस तरफ भेजना है चूंकि, तो इसलिए हमने करीब कर लिया। कंप्यूटर को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि कंप्यूटर के पास तो नक्शा नहीं है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से बात समझ आएगी, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका तरीकाकार क्या होता है। फंडामेंटल्स हम देखेंगे, इसकी ज़्यादा तफसील आगे जाकर नेटवर्क्स के कोर्स के अंदर आएगी, ठीक है। इसलिए नेटवर्क जो है, नेटवर्क्स का प्रीरेक नहीं है, ये एसेंशियली आगे जाके नेटवर्क्स में अप्लाई होती है, लेकिन ये नेटवर्क्स का प्रीरेक नहीं है किसी वजह से, ठीक है। खैर से हमारे रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बस चुप हो जाता है। एनीवे, सो ये चीज़ होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पे डेटाबेस का सर्वर होता है और वेब सर्वर्स वगैरह होते हैं, ये डेटाबेस का सर्वर है, तो आपका यही डाटा स्ट्रक्चर जो है ये आपका आगे डेटाबेस के कोर्स का भी प्री रैक है, क्योंकि अगेन यही स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपने डालने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही स्ट्रक्चर्स होंगे, यही एल्गोरिदम्स होंगे जो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको अप्लाई होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस वजह से ये इस सेंस में बड़ा ज़रूरी है कि आपके जितने ये फाउंडेशनल कोर्सेज हैं उनकी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है जब आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स अच्छे तरीके से किया हो। फर्ज करें आपने डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स सिरे से पढ़ा ही नहीं, ठीक है, या नकल मकल करके कुछ करके आपने पास कर दिया, आपको कब पता नहीं है कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। यू गोइंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे टीचर आपको कहेगा कि जी क्यू है, आपने डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वो आपको कहेगा आपने डाटा स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ा है, सारे लोग सारे लाएंगे, आप भी सारे डालेंगे सर, ठीक है। होगा क्या, वो आपको दोबारा बताएंगे क्यों क्या होता है, यहाँ से चीज़ आती है वहाँ से बाहर जाती है, बस समझ आ गई, नो बिग डील। डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था आपने, इंप्लीमेंट नहीं किया, समझ तो आ गई ना, क्यों है, यहाँ से चीज़ जाएगी वहाँ से बाहर आएगी, बस बात खत्म होगी। तो आपको कोई पेट में दर्द नहीं होगा इसकी वजह से, लेकिन अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर अच्छा पढ़ा होगा तो उसके सारे इंटरनल्स आपके दिमाग में खुल जाएंगे, ठीक है। वो फ़र्क समझ आ रहा है,
तो इस कोर्स के बगैर भी बड़ा अच्छा बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको चला सकते। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी, अब देख लें आपके आहिस्ता आहिस्ता इनको आप फिल करना शुरू कर रहे हैं, तो इसको बाकी कोर्सेज के अंदर भी जाके देखा करें। वेब प्रोग्रामिंग भी ऑफर हो रहा है जो कि अभी आप लोग नहीं ले सकते, बाय द वे जिन लोगों ने पूछा है वेब प्रोग्रामिंग का 17 में से नहीं ले सकते, मतलब इजाज़त नहीं है। अभी फर्स्ट जवाब साहब ने कह दिया ले सकते हैं, किधर गए, आपके सामने कहा नहीं है, अभी इजाज़त हो गई है, ले रहे हैं मजे करें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, चूंकि ये अब 3+1 है तो आपके पास दो क्लासेस होंगी और एक लैब होगी आपके पास। लैब का तरीकाकार ये है, वकास आखिरी तला तक वकास लैब ले रहा है आपके साथ। आप लोगों की अभी तक शायद वकास के साथ कोई लैब नहीं आई है, लेकिन वकास का बड़ा अच्छा फीडबैक है। मैंने सीनियर से पूछा जबकि इस किस्म की हरकत करने के लिए, ज़ाहिर बात है एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसके लिए कौन सा टीचर सूटेबल होगा, तो वकास का नाम तकरीबन यूनानिमसली मुझे हर किसी से वकास का ही मिला कि ही इज़ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, उसका अपना जो PhD का काम है वो भी पाइथन के अंदर ही कर रहा है और मेरी तरह नहीं है, नाइस बंदा है। ठीक है, तो उसके साथ अच्छा फीडबैक है उसका स्टूडेंट से भी और लिहाज से, राइट। सो लैब के अंदर काम ये होगा कि जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो आप लैब में जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। इसेंशियली लैब में आपको कोई नया कॉन्टेंट नहीं करवाया जाएगा, यही काम आपने करना होगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मसला ये है कि जो काम मैं यहाँ पे करूँगा मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, लिहाजा आप लोग जागे रहेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ये एक ही चीज़ है और आपने एक ही दफ़ा करनी है। मैंने आपको बताया ना कि आपने ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा इंप्लीमेंट करनी है, इसके बाद फिर नहीं इंप्लीमेंट करनी। तो अगर ये कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, मैं नहीं भी करूँगा, तो आप लोग नेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो मेहरबानी करें कि इसके यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है कोड्स छोटे होंगे, बहुत बड़े कोड्स नहीं होंगे, तो उनको नोट्स लें, उनको लिखें, और नहीं भी होंगे तो लैब के अंदर जब बैठे हों तो उनको खुद टाइप करके एग्जीक्यूट करें, लॉजिक खुद बनाने की कोशिश करें। एक दफ़ा कर लेंगे तो सेशनल्स में भी आराम से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नई बात पूछने के लिए नहीं होगी सेशनल्स में, यही बातें हम पूछ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की कोई इधर उधर घुमा के सवाल करके हम कर सकते हैं, और कोई नई बात हम डाटा स्ट्रक्चर्स में नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे तो सेशनल्स वगैरह में भी, फाइनेंस में भी आसानी रहेगी और कोर्स का फायदा भी हो जाएगा, वरना बिल्कुल फालतू कोर्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी लैब की बात होगी कि लैब के अंदर थोड़ा सा इस तरीके से चलेंगे। फाइनल जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ वो मैं कोर्स के रिव्यू के ऊपर आता हूँ, लेकिन यहाँ पे दरमियान में थोड़ी सी चीज़ रहेगी, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो आउटलाइन है वो डिस्कस कर लूँ। एक बात तो ये कि आप लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ जो डिस्कशन, कोई ऐसा तो नहीं जिसने डाटा स्ट्रक्चर फेल किया और रिपीट कर रहा हूँ, वरना उसके लिए हालात ख़राब होंगे, नया कोर्स होगा। एनीवे, सो आउटलाइन में थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आउटलाइन में अगर तो आप लोगों को सीनियर्स ने कुछ बातें बताई हैं कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और वो यहाँ पे आपको नज़र ना आए, मुझे कहें, ठीक है, वो डिस्कस मेरे साथ करें। अभी नहीं तो ये आउटलाइन जब आपको मिल जाएगी, बाय द वे उस पर अपलोडेड है स्लेट के ऊपर, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई जहन में ये सवाल आता है कि भाई ये चीज़ क्यों मिसिंग है इसके अंदर आउटलाइन में, वो किधर गई, वो तो सीनियर्स कह रहे हैं बड़ी ज़रूरी चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किधर गई, वो क्यों नहीं है, वो वाले सवाल बिल्कुल करें, नेक्स्ट क्लास में बेशक कर लें और उस मसले को ख़त्म कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, तो आउटलाइन को थोड़ा सा देख लें। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे CS2.NET। सो दिस इज योर आउटलाइन, सी दिस, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स को जरा पढ़ लें, यहाँ भी किसान ही दिखा हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे याद पड़ रहे हैं, मैंने बड़े अच्छे से इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन बारह तीन ऑब्जेक्टिव्स मुझे याद पड़ रहे हैं। नंबर एक, डाटा स्ट्रक्चर्स का जो कंटेंट नॉर्मली कवर किया जाता है वो कवर करना, ठीक है, लिंक लिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नीचे भी देख लेंगे, उसको कवर करना एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि हम उनको उस तरीके से कवर करें जो कि इंडस्ट्री में अप्लाई किए जाते हैं, बजाय इसके कि हम लिंक लिस्ट यहाँ पे पढ़ लें इस तरीके से जो कि एकेडमिकली पढ़ी जाती है और उसके बाद कैसा ख़त्म हो जाता है, हम उसको उस तरीके से पढ़ें जो कि कल को जाके आप अप्लाई भी करेंगे उसको। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपके पास जो कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में मुझे नज़र नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हैं, दो तीन क्लासेस से ज़्यादा मुझके ऊपर नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे ही आप इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेंगे और पाइथन का आपको कोई भी काम मिलेगा वो वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पूरे 4 साल में कहीं पर नज़र नहीं आती, आपके FIP में भी आ जाती हैं, वहाँ पर खुद सीखनी पड़ती हैं, मैं भी बता भी देता हूँ उनमें से एक चीज़, तो उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम अगर क्लास में कवर करेंगे तो वो हार्डली 5-10 मिनट में हम कवर कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये तीन किस्म की चीज़ें हम करना चाहते हैं, एक और ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि हर कोई करता है हम भी करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें हम छोड़ेंगे, उसकी वजह से जो हम टाइम बचाएंगे वो हम उन चीज़ों के ऊपर कवर करेंगे जो कि इंडस्ट्री में जाके अप्लाई होती हैं और जो कि कहीं और कवर नहीं की जाती। ठीक है, और जो पहला वाला भी है उसको हम इस तरीके से करेंगे जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड किस्म का काम होगा। डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स इज अ हाईली थ्योरेटिकल कोर्स टिपिकली,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल से हम आगे की तरफ ले जाएं कि प्रैक्टिकल की तरफ ये थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। थ्योरेटिकल इस सेंस में नहीं कि कहानी होती है, लेकिन एकेडमिक इंप्लीमेंटेशन होती है, कोड ही कोड होता है सारा इसके अंदर, लेकिन एकेडमिक कोड होता है। मैं इसको थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ पुश करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, बात समझ आ गई। ओके, इसी हिसाब से आपकी जो यहाँ पे कोर्स बुक्स हैं, तो दिस इज़ योर प्राइमरी बुक प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। सो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है HTML की फॉर्म में, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्री बुक, स्लेट पे अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बुक जो है दैट इज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन पाइथन, सो अगेन स्लेट के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तीसरी जो बुक है ये वही बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये आप कह रहे होंगे कि हर दफ़ा यहाँ पे लिखी होती है तो इसको चेंज क्यों नहीं करते, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू से आखिर तक अगर आपने एक किताब ख़त्म कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। मैं जब ये कंटेंट बना रहा था इसका डाटा स्ट्रक्चर्स का, तो कुछ जगहों से मैंने 4-5 जगहों से मैंने एक मटेरियल निकाला, जब मैंने वो तैयार कर लिया तो फिर मैंने कहा कि गुटा की बुक भी देखता हूँ, तो गुटा की बुक में जब मैंने जाके देखा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन था, तो वो सारी एफर्ट मैंने बाहर फेंक दिया और फिर मैंने गुटा की एग्जाम्पल जो है वो ले ली, ठीक है। 2-3 टॉपिक्स में इस किस्म का काम हुआ, तो इट्स अ वेरी गुड बुक, तो इसको यहाँ पे एज काइंड ऑफ अ रेफरेंस आप साथ चला सकते हैं। तो ये तीनों किताबें जो हैं दरमियान दरमियान से कहीं पे रीडिंग असाइनमेंट आ गई तो मैं दे दूंगा, नहीं तो आप लोग कोई दिन को कवर करेंगे तो बहुत फायदा होगा। रेफरेंस मटेरियल तकरीबन वही है सारे का सारा जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगेन मेरे हिसाब से ये वो प्रोग्रामिंग की बुक्स हैं जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। दिस इज़ न्यू बुक, दिस इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। ये आपके पास जो एल्गोरिथम्स का कोर्स है जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है उसके अंदर आई थिंक दिस इज द टेक्स्ट बुक फॉर दैट कोर्स, ठीक है। ये पूरी दुनिया में यही बुक जो है ये एल्गोरिथम्स के लिए पढ़ाई जाती है। इसके अंदर सेक्शन 3 जो है दैट इज़ अबाउट डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये है C++ में, इसकी इंप्लीमेंटेशन पाइथन में आपको मिल जाती है, लेकिन बुक के अंदर जो डिस्कशन है वो सूडो कोड के ऊपर, ठीक है जी। ओके, एक ये मेरी बातें अगर पसंद ना हो तो आप कोर्स स्पेशलाइजेशन जा सकते हैं कोर्सेरा के ऊपर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, ठीक है। इसमें आपको जारी बात है वो पैसे मांगता है, लेकिन आप फॉर फ्री तकरीबन सारे के सारे कोर्सेज जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसके अंदर से आप ले सकते हैं। तो जो लोग इसको थॉरली कवर करना चाहते हैं वो इसको साथ साथ चला सकते हैं, ठीक है, साथ चलाना चाहते हैं बाद में चलाना चाहते हैं। कोई सवाल तो नहीं आप लोगों को, मैं आगे चलूँगा। ओके, सो कोर्स की पॉलिसीज आप लोगों को पहले से पता है, अटेंडेंस 80% इज़ रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह। क्विज़ वगैरह होंगे वो भी आप लोगों को पहले से पता है, क्विज़ जो है सरप्राइज क्विज़ भी हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली सरप्राइज ही होते हैं, एडवांस वाली कोई बात नहीं है। मार्क्स कॉन्टेस्ट करना चाहें हर वक्त कर सकते हैं, खैर है 3 दिन के बाद मुझे याद ही नहीं होगा। प्लेगरिज्म पॉलिसी आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता है, इफ़ यू कॉपी समथिंग यू गेट अ 0, अभी तक तो हज़म हो ही गई होगी, ठीक है, कॉपी करेंगे 0 मिलेगा, बस इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। रीडिंग टास्क वगैरह मैं दूंगा, मॉडल प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी दिस और जुपिटर नोटबुक, ठीक है जी। पाइथन ट्यूटर मैं नहीं करूंगा, अगर आप लोग उसको समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप लोग पाइथन ट्यूटर से आगे चले गए थोड़े से, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई तो हम ट्यूटर के ऊपर कोशिश कर लेंगे उसको। टॉपिक ब्रेकडाउन की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जो कि हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग कोर्स का एक इंट्रोडक्शन है जो कि अभी चल रहा है, और अभी आज ही हम थोड़ा सा पाइथन का एक रिफ्रेशर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से पाइथन को हाथ नहीं लगाया होगा, तो पाइथन का रिफ्रेशर हार्डली 10 मिनट लगते हैं, वो भी कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सिंटैक्स है बेसिक सा वो दिखा देता हूँ आपको। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, हाँ, पाइथन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है, 3.7 आई थिंक आजकल चल रहा है। एनाकोंडा पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, जुपिटर नोटबुक रन करके उसको एग्जीक्यूट कर लें, ताकि आपको पता चले कि आपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर किसी को मसला हो तो वो जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाला कोर्स टीचेबल पे पड़ा हुआ है उसके अंदर नोटबुक हाउ टू वाला जो वीडियो है वहीं पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसको देख लें, उसके अंदर सारे स्टेप बाई स्टेप लिखा हुआ है, वही चीज़ अभी भी काम करती है, उसको कर सकते हैं। कोई मसला हो तो मुझे भी कह सकते हैं, TA तो फिलहाल कोई नहीं है, देखेंगे अगर DA हो गया तो सही है, लेकिन मोस्ट लाइकली TA शायद कोई ना हो। सो जुपिटर नोटबुक वो कर लेंगे आप, पाइथन इंस्टॉल करके उसको रन करके देख लेंगे, रिफ्रेशर मैं भी आपको दे दूंगा। असाइनमेंट्स आप लोगों की ऑटो ग्रेडर पे होंगी, ठीक है जी, वजूहत सारी पहले से बता चुका हूँ, ऑटो ग्रेडर पे आपकी होंगी। और ऑटो ग्रेडर हैज़ अ न्यू फेस नाउ, यू कैन गो टू AG फॉर ऑटो ग्रेडर .recluze.net, ठीक है। सो यू गो टू AU.recluze.net। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने सारे का सारा माइग्रेट किया और डेटाबेस में गंद बला के साथ वहाँ पे नहीं ले जाना चाहता था, लिहाजा यू विल हैव टू साइन अप अगेन यूजिंग योर NUID, ठीक है जी। NU के ईमेल से करें, किसी और ईमेल से करेंगे तो मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो साइन अप जाके कर लें, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको, अगर याद नहीं है बता देता हूँ, एक ईमेल आपको आएगी जो कि सीधी आपके स्पैम के फोल्डर में जाएगी,
ठीक है, तो स्पैम के फोल्डर में जाके चेक करें, पहले से बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी, स्पैम में जाएगी। ठीक है जी, वो मैंने थोड़ी सी कंजूसी की है, इस वजह से वो स्पैम में जाएगी, तो लिहाजा आप लोग स्पैम में जाके चेक करेंगे, वहाँ पे लिंक होगा, उस पर क्लिक कर दें, आपका साइन अप हो जाएगा। ठीक है, मैं ये रिफ्रेशर कर लूँ, फिर उसके बाद सवाल दोबारा पूछ के मैं बता देता हूँ फिर आपको। ठीक है, ओके, सो NUID से साइन अप कर लें और द फर्स्ट असाइनमेंट इज ओपन। खैर आराम से, फर्स्ट असाइनमेंट वही है कि num इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ताकि पता चल जाए कि ऑटोग्रेडर आता है बस। ठीक है जी, सिर्फ वो करना है, तो उस पर आप लोग आएंगे, जो नंबर होते हैं वो मिल जाएंगे, मार्क्स होंगे उसके, जो नहीं सबमिट करेगा, पिछली दफ़ा भी लोगों ने नहीं की थी, तो सबमिट कर दें, वो सिर्फ आपने उसके अंदर एक लाइन लिखनी है कि num इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें शायद ऑटोग्रेडर हाउ टू में है भी, वो करके सिर्फ आपने सबमिट करना है, ताकि एवरीबडी हैज़ साइंड अप और हमारे पास ऑटोग्रेडर का सबमिशन काम कर रही है, सिर्फ इतना काम आप लोगों ने करना है ताकि ऑटोग्रेडर कंफर्म हो जाए। मैंने भी अभी चूंकि अभी डिप्लॉय किया है और थोड़ा सोया हुआ था मैं उस वक्त, आई एम नॉट श्योर कि इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट इट्स वर्किंग, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वीक आई थिंक डेडलाइन, उसमें देख लेंगे ऑटोग्रेडर से जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट आई थिंक इट्स संडे मॉर्निंग। ठीक है, तकरीबन पूरा वीक आपके पास है अभी, राइट, सो असाइनमेंट कर लें। असाइनमेंट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, असाइनमेंट्स के साथ ख्वारी करेंगे, अगर असाइनमेंट्स खुद नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो पहले तो सिंटैक्स ऑटोग्रेडर तो यू गेट अ जीरो बड़े मज़े से। ठीक है, वो आप लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के ऊपर उसका असर ये हुआ था कि आप लोगों ने सबमिट करना ही छोड़ दी थी, ये तो फिर मैंने असाइनमेंट देनी छोड़ दी थी, उससे बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको जो जिन लोगों का 17 वालों के साथ वो है, तो उन्होंने सुना होगा उनसे, नहीं सुना तो मैंने चूंकि उनसे सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने जब हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ाया था, जो कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स था, उन्होंने कहा आपसे हमें फायदा नहीं हुआ था, ऑटोग्रेडर से फायदा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को नुकसान ये हुआ कि आप लोगों ने जब असाइनमेंट सबमिट करनी छोड़नी, तो मैंने ऑटोग्रेडर का असाइनमेंट देनी छोड़नी फिर, तो उससे आप लोगों को वो जो बेनिफिट हो सकता था वो नहीं हुआ। तो मेहरबानी करें, असाइनमेंट सबमिट करें। देखें, अक्सर आप ये होता है कि जो क्लास में मैंने कोड किया होता है ना, अगर वही आप छापा मार के भेज देंगे ना, तो उसमें आधे से ज़्यादा नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं। जिन लोगों ने लास्ट टाइम सबमिट किया उनको पता होगा कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है वो आखिर में एक आध नंबर होता है, तो वो ना है ना, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 में से 9 तो आ जाते हैं, 8 तो आ ही जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा ऑटोग्रेडर जो मार्क्स लगाएगा तो वो एज इट इज़ नहीं होंगे, उसके बाद मैनुअल उसके ऊपर भी मैं गो थ्रू करूँगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोग्रेडर की अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से मैं मैनुअल गो थ्रू भी करूँगा, तो ऑटोग्रेडर जो मार्क्स कहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द अपर बाउंड। ठीक है, अगर ऑटोग्रेडर कहता है ना कि 9, तो 9 से ज़्यादा नंबर आपके नहीं आएंगे, उसने कहा 6, तो 6 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कम आ सकते हैं, मैं देख के फजूलियात के ऊपर नंबर काट सकता हूँ, बिकॉज नाउ वी कंसिडरिंग द लॉजिक, नॉट जस्ट द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है जी, बात समझ आ रही जी, ठीक हो गया, मसला तो नहीं है। सो वी हैव ऑटोग्रेडर ag.recruits.net, आई होप कि याद रहेगा, नहीं तो ये वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप कर दूँ, ताकि आप लोग फिर इसको कर सकें। टू इंस्टॉल की हुई है पाइथन 2, अनइंस्टॉल करके 3 कर लें, हो जाती है, 3 आप अलग से इंस्टॉल करें, 3 चलता है, अनइंस्टॉल कर लें, चल जाएंगे, वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लें, मैं बता दूंगा। ठीक है, वो एक दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, सही हो गया जी, यहाँ तक सही है, ओके, सो लेट्स गो डू दी रिफ्रेशर रियली क्विकली, सॉरी आउटलाइन रह गई, राइट, सो आउटलाइन, सो पाइथन का रिफ्रेशर अभी कर लेते हैं। हम लोगों ने चूंकि पाइथन जब पहली दफ़ा की थी, तो उसमें 17 वालों के साथ मैंने किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने नहीं की थी। ठीक है, 18 के साथ मैंने नहीं की थी, तो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन इन वन क्लास, बड़े आराम से हो जाती है, छोटी सी 3-4 चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन वगैरह वगैरह, वो एक क्लास में हो जाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वगैरह वाली बात है, वो जब आएगी तब देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिंक लिस्ट है, ठीक है, जो कि एसेंशियली हम C++ में पहले कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, 50 दफ़ा तो मैंने आपको असाइनमेंट में भी वो दी थी, तो उसको हम यहाँ पे पाइथन में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट की एक 4-5-6 बहनें वो सारी कर लेंगे। फिर स्टैक है, अगेन स्टैक हम कर चुके हैं, स्टैक को हम इसके अंदर दोबारा कर लेंगे, इस जल्दी जल्दी लिखे हुए कि चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, स्टैक की लॉजिक आपको सारी पता है, पुश पॉप आपको पता है, उसको हम देखेंगे कि पाइथन में किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारा आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास किधर गया, क्यू है, क्यू भी अगेन हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, पाइथन में देख लेंगे उसका फ़र्क क्या होता है, अगेन कोड की ट्रांसलेशन से आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लैंग्वेज डजंट रियली मैटर। मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक लैंग्वेज में आपने प्रॉब्लम पहले से सॉल्व किया तो फ्यूचर में फायदा हो सकता है, बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स। फिर एक ये सेट डाटा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारा 3 लाइनों का कोड है, 3 लाइनों का कोड है सारा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है और सीधा सी कोड है, इसमें बस चीज़ें डाल दें, चीज़ें निकाल लें,
लेकिन ये इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, किसी डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आपको इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। ये भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैं 3 जुमलों में बता दूं बड़े आराम से, कोई इसके अंदर साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपने सारी जिंदगी देखा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम सेट डाटा स्ट्रक्चर से सॉल्व हो सकता है, ठीक है? तो आप उस प्रॉब्लम को जो बगैर सेट डाटा स्ट्रक्चर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रही बात की? कोड भी स्लो होगा, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। सेट डाटा स्ट्रक्चर आता है, कोड छोटा भी होगा, आसान भी होगा। तो इस किस्म की चीज़ें जो है मैं आपको, जो मैंने शुरू में बताया कि मैं कवर करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है और बड़ी आसानी से हम बीच में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैंने पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन पूरा लेक्चर इस पर लगने नहीं लगा, ठीक है? हार्डली 10-15 मिनट इस पर लग जाएंगे, बहुत हो गया। राइट, फिर उसके बाद रिकर्जन है, टावर फनोई हम कर चुके हैं पहले से, पूरा वीक इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ उसमें देखेंगे, गप शप लगा लेंगे, ठीक है? सही है, और कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और भी है। राइट, सो सेशनल वन के बाद से फिर थोड़ा सा नया कॉन्टेंट शुरू हो जाएगा जो कि हमने पहले नहीं किया हुआ। तो ट्रीज़ का है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर में अक्सर जो टाइम लगता है वो ट्रीज़ के ऊपर लगता है, ठीक है? जिन जिन जगहों पे अच्छा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है वहाँ पे ज़्यादातर टाइम ट्रीज़ के ऊपर लगता है। ट्री की बहुत सारी किस्में हैं, हर एक के अपने फ़वाद नुकसान हैं, उसके ऊपर लगता है, तो वो यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ सॉर्टिंग वगैरह की वो हैं, अगेन कुछ सॉर्टिंग मेरा ख्याल है शायद लास्ट टाइम आप लोगों को लैब में करवाई गई थी, आई अस्यूम के सॉर्टिंग आपने पहले कभी नहीं देखी हुई, ठीक है? वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओवर। यहाँ पे फिर दो चीज़ें इस तरह की हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि अगेन इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हर जगह पे अप्लाई होती हैं। जिस जगह पे आप कहीं पे किसी भी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं लोग, एक मीटिंग हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, इसको हम किस तरीके से करें, तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि विद इन 10 to 15 मिनट्स किसी ना किसी बंदे के मुँह से अल्फाज निकलेंगे कि इसको हम ग्रीडी से करेंगे, डायनेमिक से करें, ठीक है? डीपी कहते हैं उसको, तो या डीपी से करें या ग्रीडी से करें, किसी ना किसी बंदे के मुँह से आवाज़ ज़रूर निकलेगी, ठीक है? तो वो हम यहीं पे कवर कर लेंगे। एंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। एसेंशियली ये काम हम पहले कर भी चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? पहले सेमेस्टर में करवा चुका हूँ आप लोगों को मैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप ज़रा देख लेंगे कि इसको कहते ग्रीडी है और इसको कहते हैं हम डायनेमिक है, ठीक है जी? तो वो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। सेशनल टू के बाद से, ये जो सेशन टू लिखा हुआ है, सेशन टू है ये, तो सेशनल टू के बाद से जो आपके पास चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो कि मैंने आपको कहा कि जिसका टाइम नहीं बचता, ठीक है जी? आप लोगों के पास दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो एसेंशियली इन 3 किस्म की चीज़ों से होते हैं। ईदर यू आर गोइंग टू हैव अ लिस्ट, जो कि शुरू में हो गया, जो कि हम पहले कर चुके, और यू आर गोइंग टू हैव अ ट्री और सम सॉर्ट ऑफ अ ट्री, ठीक है? और यू आर गोइंग टू हैव अ ग्राफ, ठीक है? इन 3 किस्म की चीज़ों पे होता है। मसला ये है कि हम ट्रीज के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि ग्राफ की बारी नहीं आती। लिस्ट आपको पाइथन में पता तैयार मिलती है मुफ्त, हम दोबारा बनाएंगे लिंक लिस्ट, लेकिन बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैक्टर जिस तरह हमारे पास C++ में था, हम उसको यूज़ कर सकते थे, हमने ही बनाई है। इस तरीके से हम बनाएंगे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लिस्ट आपके पास पाइथन में फॉर फ्री तैयार पड़ी है, बड़ी अच्छी काम करती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीज़ कोई दुनिया में इंप्लीमेंट नहीं करता खुद, ठीक है? ट्रीज़ की आपको लाइब्रेरी मिलती है, तैयार लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ खुद करने पड़ते हैं कोड, और ग्राफ हम डाटा स्ट्रक्चर में कवर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं बचता। जो चीज़ कोड करनी पड़ती है, जो कि आगे जाके अप्लाई होती है, जिसकी वजह से मोर देन 40 to 50% प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो हम कवर कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं बच जाता, ठीक है? टाइम रह नहीं जाता आखिर में। इस वजह से आपके सेशन 2 के बाद से अगर, तो लेट्स से टाइम ऊपर कुछ मसला हो गया ना और हम स्लो गए, तो मैं ये ग्रीडी और डायनेमिक छोड़ दूंगा, लेकिन ग्राफ जरूर करवाऊंगा आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है? ग्राफ्स के जरिए से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये 2017 में मेरा ख्याल है दिसंबर में पाइकॉन हुई थी, पहली पाइकॉन पाकिस्तान हुई थी, पाइथन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जी लाहौर में, फास्ट लाहौर में हुई थी, और फास्ट लाहौर वाले कहते हैं कि हमने पाइथन नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन में। सो पाइकॉन वहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स गए थे, हमारे कोलैब से हमने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था, तो वो जब वहाँ पे गए, वापस आए, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि भैया हम फ्लाम बंदे से मिले, तो पाइकॉन जिन्होंने अरेंज की थी, तो आरबी सॉफ्ट काफ़ी मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का, उन्होंने फिर इन लोगों को जॉब के लिए, इन्होंने सारी बातें सीनियर थे, अवैस वगैरह ही थे, अवैस और बिलाल जैद था चिश्ती, तो इन्होंने वो किया, वहाँ पर जब अप्लाई किया तो उन्होंने जिनको प्रॉब्लम दिया कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें दे दें तो हम आपको कंसिडर करेंगे, मेरी बात है, वो ले तो नहीं लेंगे लेकिन बहरहाल करेंगे। वो प्रॉब्लम था ग्राफ्स की, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम ये ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन का एक प्रॉब्लम है, वो उन्होंने इसके ऊपर उनको दिया हुआ था, तो चूंकि उन लोगों ने फॉर सम रीज़न किया हुआ था या दे वर एबल टू डू इट, तो वो उन्होंने वो कर लिया, लेकिन उनके जो बैचमेट्स थे बाकी के सारे वो नहीं कर सकते थे इस तरीके, ठीक है जी? तो इसेंशली आपके पास रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से अक्सर, वेबसाइटों को छोड़ दें, अक्सर प्रॉब्लम जो हैं वो आपके पास ग्राफ के जरिए से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि एसेंशियली ग्राफ जो है दैट इज़ जनरल टूल जो कि हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम टाइम लगाएंगे, और यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ एसेंशियली जो क्लास में अगर हम करना चाहें तो एसेंशियल्स ऑफ द ग्राफ हम एक या दो लेक्चर्स में बड़े आराम से कर सकते हैं, खुद करने बैठ जाएँ ही पागल हो जाएंगे,
ठीक है जी। अगेन क्लास के अंदर वो चीज़ करना बड़ा आसान होता है, आप कोड देख लेंगे यहाँ पे तो बड़ी आसानी से आप वो कर लेंगे। तो ग्राफ्स वाला पोर्शन जो है वो बड़ी आसानी से हम यहाँ पे एक वीक या दो वीक्स में बड़े आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, ये जो आखिर में आपको नज़र आ रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि अगेन अप्लाई बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर्स और डाटा स्ट्रक्चर्स ही का पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन अब लीनियर अलजेब्रा भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग लीनियर अलजेब्रा में, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है ठीक है, अच्छी बात है, मैं अस्यूम करूँगा आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अभी पढ़ रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा में भी आप लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, वेक्टर्स तो सबने देखे होंगे, तो वेक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, इस किस्म के काम। तो अगर ये काम आपने कोड में करना हो तो ये किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये काम आपको अक्सर करना पड़ता है कोड में, तो उसके दो तरीके हैं। नंबर एक, राइट योर ओन क्लासेस, ठीक है, अपनी क्लास लिखें जो कि वेक्टर की क्लास हो और उसको आप वो करें, वो वाला वेक्टर नहीं, वो लिस्ट वाला वेक्टर नहीं, वेक्टर वेक्टर मैथमेटिक्स वाला वेक्टर, वो क्लास लिखें, उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, आपके पास कुछ लाइब्रेरीज पाइथन की एग्जिस्टिंग हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करती है, तो दोनों को हम इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक से आपको ये समझ आती है कि लाइब्रेरी बनी किस तरीके से है, अगेन लिंक लिस्ट हमने क्यों बनाई ताकि हमें समझ आए कि वो बनी किस तरीके से, और दूसरा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोनों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बुनियादी सी डिस्कशन होती है, मैंने जब 17 वालों के लीनियर अलजेब्रा रजिस्टर हुआ था तो उनको मैंने हार्डली, मेरे ख्याल 15 मिनट्स की वो टॉक, अभी भी वीडियो पड़ी होगी, उनको तकरीबन 15 मिनट्स में मैंने कहा था कि इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास पाइथन का कलेक्शंस मॉड्यूल है, अगेन एवरीबडी यूजेज इट, और पूरे 4 साल में इसका कोई नाम भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, अगेन इट टेक्स लाइक 10 to 15 मिनट्स टू कवर द होल थिंग, बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें से कुछ चीज़ें हम देख भी चुके हैं। फिर आपके पास ये वीक 15 में जो चीज़ लिखी हुई है उसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं, अगेन ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि अगर आपने वो पहले नहीं देखी हुई हैं तो आप उनको सीख लेंगे, बड़े आराम से सीख लेंगे, लेकिन टाइम बड़ा लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बैच 14 का ही एक स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था काफ़ी, कोलैब के जो इनिशियल बिल्कुल 4-5 स्टूडेंट्स थे उनमें से एक हमने कोलैब में वो लिया था, उसको तो मेरे साथ ही बिल्कुल बैठा होता था, वो अपना FIP कर रहा था। तो उसके अंदर उसने करना ये था कि एक डाटा सेट था उसके पास बहुत बड़ा सारा, ठीक है, इमेजेस का डाटा सेट था, फोल्डर 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 के अंदर फाइल 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 और सारा कैसा था। उसने करना ये था कि उन सारों को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाना था कि 01.jpg 02.jpg 03.jpg, इस तरीके से वो सारा उसने काम करा, ठीक है। तो वो बंदा 2 हफ्ते तक लगा रहा, मेरे साथ बैठा होता था, 2 हफ्ते तक वो लगा रहा इस चीज़ के ऊपर ना। आखिर उसको मैंने कहा क्या मसला, क्या है, क्या क्या मुसीबत है, क्यों नहीं हो रहा? मेरे साथ FIP जो कर रहा था, मैं सुपरवाइजर था उसका, मैंने कहा मसला क्यों नहीं खत्म हो रहा? कहते हुए बहुत सारे फोल्डर्स हैं उनको ट्रेवर्स करना पड़ता है। तो उसको ये चीज़ मैंने बताई कि ये करो, ठीक है। इट टुक लाइक 10 मिनट्स फॉर हिम टू लर्न द थिंग एंड देन अप्लाई इट, ठीक है। तो 2 हफ्ते अपनी जगह पे अगर आप गलत टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप पेचकस के जरिए से जैक हैमर वाला काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, जैक हैमर से पेचकस वाला काम करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो इफ़ यू नो द राइट टूल तो पेचकस को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैक हैमर को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने जान शान बनाई हो, ठीक है। तो राइट टूल वाली बात है। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज हम ये कवर करेंगे जो कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम जो कि तकरीबन हर जगह पे आपको आते हैं उसकी कुछ केस स्टडीज हम देख लेंगे। वो फिर डिपेंड करता है कि हम कितना इसको टाइम दे सकते हैं और मेरे दिल का कितना जोर है और आप लोगों के दिल का कितना जोर है। फाइनली आपके पास डिक्शनरीज, अभी तक आप लोगों को याद होंगी नहीं, आप अभी देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल पाइथन की जो डिक्शनरीज हैं वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मैंने इंट्रोड्यूस की थी तब मैंने आपको कहा था कि डिक्शनरीज आर इसेंशियली व्हाट पावर द होल वेब, ठीक है। पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर डिक्शनरी के ही कॉन्सेप्ट ऊपर चल रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ कवर करना चाहता हूँ कि अगेन इट्स अ वेरी सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमने बनाया भी, हमने इस्तेमाल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जब आप इसको स्केल करते हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको किन इश्यूज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। तो हर डाटा स्ट्रक्चर छोटे लेवल पे आसान होता है, बड़े लेवल पे मुश्किल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब आप उसको स्केल करते हैं। तो इसका एक टूल है जो कि हर जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है, राइट। और फाइनली आपके पास कोर्स रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, विच आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्यों लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ कर लेंगे, ठीक है। एक आध लेक्चर शायद छोड़ भी दें आप लोग कुछ। सो इसेंशियली एज यू कैन सी देर इज़ नो प्रोजेक्ट इन दिस कोर्स, ठीक है। आप लोगों का प्रोजेक्ट कॉल में होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर वाइड स्प्रेड आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके से कोई कोहेरेंट चीज़ प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपकी लैब है और कॉल है, कॉल में मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट होता है, तहसीन साहब भी पढ़ा रहे हैं ना, और उनका प्रोजेक्ट होता है, आपने जोर वहाँ पे प्रोजेक्ट वाला जोर वहाँ पे लगाना है, और बाकी का यहाँ पे हमारे इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है सच, ठीक है जी। या तो क्लियर है जी, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई एतराज़ हो तो वो भी कर सकते हैं, राइट। कुछ इस कॉन्टेंट मैंने अगेन आप लोगों के सीनियर्स के साथ शेयर किया था, तो उसके बारे में कुछ उन्होंने कमेंट्स दिए थे, इस तरह C++ डेड टाइप के कमेंट्स दिए थे। वो जब टॉपिक आता जाएगा तो फिर मैं उस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन एसेंशियली एजाज तो खैर यहाँ पे आता भी रहता है कभी कभी, तो उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाली सिचुएशन
इस तरीके से है सही है इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे पूछें और पता करें कि ये बातें सारी की सारी ठीक हैं कि नहीं है, गलत हो तो मुझे भी बताया था कि अगली दफ़ा मैं मुसीबत अपने ना देखो। राइट, सो पाइथन का रिफ्रेशर, नोटबुक स्टार्ट करें, x इक्वल टू 5 होना 27 चाहिए था लेकिन चलो 5 ही कर लें, स्क्वायर रूट, अच्छा इसको देख के आते हैं आप लोग। सो अगेन स्क्वायर रूट मुराद नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये बताना मुराद है कि फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह होती थी, डाटा टाइप नहीं होती थी, डेफ का वर्ड होता था, अगर भूल गया हो तो अभी सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ, डेफ फंक्शन का नाम, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स, अगेन डाटा टाइप साथ नहीं है, आखिर में एक सेमी कोलन है जाग ने शाबाश, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड इनफ की हमारी जो लॉजिक है कि आपके गैस का स्क्वायर जो है वो आपके जो एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है, इस किस्म की बात है। इम्प्रूव गैस है तो इम्प्रूव गैस इज द एवरेज ऑफ गैस एंड एक्स बाय गैस व्हेन यू ट्राइंग टू गैस द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। और ये आपके पास स्क्वायर रूट है, दिस इज योर डिफॉल्ट वैल्यू विच इज 0.0001, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, डिवाइड बाई जीरो का मसला आता है, ऑप्शनल वैल्यूज होती हैं, ओवरलोडिंग इस तरीके से हल करते हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास है तो आप वहाँ पे वैल्यू आपने भेजी तो इस्तेमाल हो जाएगी, वैल्यू नहीं भेजी तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक हो गया जी। सो एसेंशियली दैट्स फंक्शन, फंक्शन की कॉल इस तरीके से होती है कि आप उसको कॉल करते हैं इंसानों की तरह। दिस इज़ योर इफ, इफ वही चीज़ है, आगे पीछे ब्रैकेट्स नहीं होते, ऑप्शनल है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोलन होता है, कोलन के बाद इंडेंट करके आपके पास कोई भी ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है, इंडेंटेशन ख़त्म, ब्लॉक ख़त्म। एल्स इफ की जगह पे एलिफ होता है, आगे वही कंडीशन होती है, उसका अपना ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, आखिर में एल्स होता है, कोलन होता है, उसकी अपनी बॉडी होती है, ठीक है जी, मसला तो नहीं कोई। वाइल का लूप होता है, अगेन ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल, लगा दे खैर है, नहीं लगाते ना लगाएं, ये वाइल का लूप है। फॉर का लूप है, दैट इज़ डिफरेंट इन द सेंस के बहुत पावरफुल है, बहुत सारे काम ही कर सकता है, तो फॉर आई इन रेंज अगर आप इसको देते हैं तो यू कैन डू द सेम थिंग एज अ वाइल लूप, ज़रा आसान हो जाता है थोड़ा सा। फॉर आप लिस्ट के ऊपर भी चला सकते हैं, नीचे है कहीं पे, हाँ जी नीचे है तो उसी को देख लेते हैं। सो यू हैव अ लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा सेपरेटेड, डॉट अपेंड से वैल्यू डालते हैं, डॉट रिमूव होता है, इंडेक्स से आप इंडेक्स निकाल सकते हैं, द बेसिक्स, ठीक है जी। और इसके ज़रिए से आप लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन आगे कोई लिस्ट का नाम तो एक एक करके एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आई में आता जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, सही। ओके, डिक्शनरीज हैं आपके पास, सो डिक्शनरी का सिंटेक्स ये है कि इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यू हैव कर्ली ब्रेसेस, की कोलन वैल्यू कॉमा, की कोलन वैल्यू कॉमा, की कोलन वैल्यू कॉमा, ठीक है जी, ये इसका सिंटेक्स है। एक्सेस किस तरीके से करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से ही एक्सेस करते हैं, यू गिव इट अ की इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स एंड इट रिटर्न्स द वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वैल्यू, राइट। और अगर आपने सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स अगर इकट्ठे लेने हैं तो डॉट आइटम्स के जरिए से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर लूप करना चाहते हैं तो यू कैन से फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स, तो आपके पास सारी कीज़ एक एक करके के में जाएंगी और सारी वैल्यूज एक एक करके वी में जाएंगी, ठीक है। तो के में एक पहली की और वी में पहली वैल्यू, फिर अगली दफ़ा दूसरी की दूसरी वैल्यू आपके पास आती जाएगी और इनको आप जो भी काम करना चाहें वो आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट को आप मल्टीपल वैल्यूज अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस सेपरेटेड वो आउटपुट की जा सकती है। अगर आपने इसको इंस्टेड ऑफ डिक्ट आइटम्स अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो कास्टिंग होती है। कास्टिंग का तरीका ये होता है कि आप बाहर डाटा टाइप लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है वो लिखते हैं जी, कुछ कहा। सो दिस इज़ नाउ अ ट्यूपल इंस्टेड ऑफ अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को आपने ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो यू कैन टेक डी डॉट कीज, उससे सारी आपके पास कीज आ जाएंगी, लेकिन अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उसको लिस्ट में कास्ट कर लेंगे जी। इम्यूटेबल का मतलब है कि आपके पास ट्यूपल जो होता है, ट्यूपल और लिस्ट में फ़र्क ये है कि ट्यूपल के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा ट्यूपल बन गया, ना उसके अंदर अपेंड होता है, ना रिमूव होता है, ना एग्जिस्टिंग वैल्यूज चेंज होती हैं। इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, म्यूटेबल कहते हैं चेंज होने वाली चीज़ को, जो चेंज हो सकती हो, हो या ना हो और बात है, म्यूटेबल जो चेंज हो सकती हो, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है जी। अगर मैं डायरेक्ट डी लिखूं तो क्या होता, सो यू जस्ट गेट द कीज। अगर आप सिर्फ डी कहते हैं तो सिर्फ कीज आती हैं, तो मुझे चूंकि दोनों को मैंने कन्वर्ट करना था तो मैंने डी डॉट आइटम्स किया है, तो यू गेट की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। डी डॉट आइटम्स आपके पास डिक्ट आइटम्स का एक ऑब्जेक्ट आता है। अब चूंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि वो एक ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्यूपल के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू डू द कास्टिंग, ठीक है। देखने में ये देखें, यहाँ पे सिर्फ डिक्ट आइटम्स लिखा हुआ, बाकी शक्ल इसकी वैसी की वैसी है, ठीक है। बट इफ यू नीड अ ट्यूपल, बिल्कुल वैल्यूज आ जाएंगी, राइट।
एक फाइनल चीज़ जो कि पहले नहीं देखी हुई, ये बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई होती है और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे जहाँ पे कहीं पे आएगी। तो हम शायद कोर्स में इस्तेमाल ना करें लेकिन पाइथन की रिफ्रेशर के तौर पर बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये देख लें। आपके पास एक ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं जिप, ठीक है, जिप। पहले देख लें ऑपरेशन क्या होता है, फिर उसका मकसद भी बताता हूँ। लेट्स से आपके पास ये दो लिस्ट हैं ए और बी, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 0। इनको आप करना चाह रहे हैं इस तरह कि आप पहले वाले का पहला एलिमेंट उठाएं, दूसरे वाले का पहला एलिमेंट उठाएं और दोनों को मिला के एक ट्यूपल बना लें, फिर इन दो को उठाएं और ट्यूपल बना लें, इन दो को उठाएं और ट्यूपल बना लें। तो ये इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं जैसे जिप होती है, ठीक है। ये दो जिप के पीसेज हैं और आप इनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है जिप। ये जिप बहुत जगह पर अप्लाई होता है, पहले इसको देख लें ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। इसको अगर मैंने कहा कि जिप ए कॉमा बी, तो ये क्या करता है, 1 और 6 को उठाया, उनका एक ट्यूपल बनाया और एक लिस्ट में डाल दिया, जी 1 बाय 1, ठीक है। अगर एक बड़ा है तो बाकियों को इग्नोर कर देगा, ठीक है। जिप है ना, एक जिप का वो एक जिप बड़ी है तो पता नहीं होता है। एनीवे, सो जिप ए कॉमा बी से क्या हो गया, इसने 1 और 6 का पेयर बनाया उसको एक जगह पे डाल दिया, 2 और 7 का पेयर बनाया उसको एक जगह पे डाल दिया, 3 और 8 का पेयर बनाया उसको एक जगह पे डाल दिया, 4 और 9 का, 5 और 0 का पेयर बना के, और ये सारी सारी एक लिस्ट जो तैयार होगी हमें उसने दे दी। ये बहुत जगह पे अप्लाई होता है, तो एक एग्जांपल नीचे यहाँ पे लिखी हुई है उसको आप देख लें। मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है और आपको ये पता है कि कॉलम्स जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है और लोकेशन का कॉलम है, किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और आपके पास एक अलग लिस्ट में किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो डेटाबेस में जब आपने इंसर्ट करना होता है तो आमतौर पर होता है कि आप उसको कहते हैं कि भाई इस कॉलम में ये वैल्यू डालो, इस कॉलम में ये वैल्यू डालो, इस कॉलम में ये वैल्यू डालो, ठीक है। तो इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे zip fields comma values, तो क्या करेगा, id के साथ वो पेयर किस चीज का बनाएगा, 13 का, नेम के साथ पेयर बनाएगा बिल का, और लोकेशन के साथ बिल पेयर बनाएगा रेडमंड का, ठीक है, सिटी का नाम है रेडमंड। और फिर हम उसको क्या करते हैं, एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास, हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर id की वैल्यू है, कौन सी id है उसकी, 13, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसको एक दफा देख लेंगे, रन भी करके देख लेंगे, तो ये आपको एक दफा जब समझ आए, मैं बात पूरी करने पे सवाल लेता हूँ, तो ये जब आपको समझ आ जाए तो ये सिंटेक्स आपको बहुत जगह पे नजर आएगा कि जिप दो लिस्ट और फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मकसद यही होता है कि उसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट लेके, और हमें पहले से पता होता है एज अ प्रोग्रामर, हमें पता होता है कि इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस है आपस में, क्योंकि हमें इन दो लिस्ट को अभी तो अलग अलग है लेकिन देख के हमें पता चल रहा है कि इसकी आईडी 13 है। अगर सिर्फ उस लिस्ट को हम देखते तो हमें ना पता चलता कि 13 क्या है, लेकिन वो कॉलम के नाम वाली लिस्ट को देख के हमें पता चल रहा है कि ये 13 क्या चीज़ है, रेडमंड क्या चीज़ है और बिल क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो ये सिंटेक्स आपको अक्सर जगह पे नजर आएगा, जिप से इन दोनों के पेयर्स बन गए, ठीक, और फिर उसको हमने कह दिया कि भाई मुझे ये पेयर्स तो आपने बना दिए लेकिन मुझे डिक्शनरी की शक्ल में चाहिए, तो जैसे डिक्शनरी से हम ट्यूपल में आ गए तो ट्यूपल से हम डिक्शनरी में जा सकते हैं, ठीक। ये बात समझ आ गई, जिप जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन मिलेगा देख लेते हैं, लेकिन टाइप ऑफ जिप इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ फंक्शन, सो टाइप इज अ टाइप। जी मैं दिखा देता हूँ, मैं कर वही रहता हूँ। तो अगर मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट इसको नहीं किया तो यू गेट ए जिप ऑब्जेक्ट आउट, ठीक है। जिनों को पता है उनके लिए बताता हूँ, जिनको नहीं पता वो खैर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दिस जिप इज अ जनरेटर, इसको नहीं पता खैर को मसला नहीं है, जिप इज अ जनरेटर, ये पहले से इनको जिप करता नहीं है, जब आप इसको कहेंगे ना मुझे डाटा दो तब ये जिप करना शुरू करेगा, तो इट्स वेरी मेमरी एफिशिएंट, बस इतनी बात। अगर किसी को समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो मसला नहीं है, एसेंशियली इट्स एन ऑब्जेक्ट जो कि काम तब करेगा जब आप इसको कहेंगे कि मुझे डाटा दो, ठीक है। ये बात समझ आती है, आपने कहा ना जिप, तो अभी जिप करने से हुआ कुछ नहीं, वो कहता अच्छा ठीक है, सही है। जिस तरह रेंज था ना, कि रेंज पहले से आपके लिए, वो रेंज 1 मिलियन की रेंज निकालता नहीं है, वो कहता अच्छा ठीक है निकाल दूंगा, जब आप फॉर का लूप लगाते हैं तब वो एक एक वैल्यू देता है हमें, ठीक है। जिसको ये बात याद नहीं है तो हमने क्लास में खैर की थी। तो देखिए अगर मैं इसको कहूँ ना कि रेंज ऑफ लेट्स से 3, तो ये कहता अच्छा रेंज, अगर मैं इसको कहूं कि नहीं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करो तो फिर ये कन्वर्ट करेगा। इसका सबूत क्या है कि अगर मैं इसको कह दूं कि रेंज ऑफ, कहता अच्छा ठीक है इसको भी कहो लिस्ट में कन्वर्ट करो, तो मेरा सिस्टम का भी बेड़ा गरक और रिकॉर्डिंग का भी बेड़ा गरक, ठीक है, इसे करूंगा नहीं मैं। बात समझ आ गई जी। इस तरीके से अगर आप जिप को कन्वर्ट नहीं करते तो जिप इज एन ऑब्जेक्ट, आप इसको कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे डिक्शनरी चाहिए, मैं जिप पे क्या करूं, ठीक है। जैसे दोबारा बता देता हूँ, जिप क्या करता है, दो लिस्ट लेता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करके पेयर्स बना देता है, ठीक है। फिर अब आपने उसके साथ क्या करना है वो आपका काम है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती है कि उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, की वैल्यू, एक केस स्टडी है, बहुत सारी और केस स्टडीज भी हो सकते हैं। आपको सवाल पूछ रहे थे,
हाँ वो मसला ये है ना कि अब आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे यहाँ पे नाम होगा और आपने यहाँ पे रेडमंड लिख दिया, इसका मतलब है कि आपकी ये दो लिस्टें जिप नहीं हो सकती, आपने गलती की है एज अ प्रोग्रामर, ये बग है। ठीक है, आपके कॉलम्स का ऑर्डर फ़र्क है, आप कह रहे हैं भाई आईडी में 13 डालो, नेम में रेडमंड डालो, तो वो आपकी गलती है। हाँ तो इसी तरह कर लेते हैं ना, देखें हम इसको कर देते हैं इस तरह ऑर्डर से तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर इसको ये कह दें कि वैल्यूज पहले और फील्ड्स बाद में, तो उससे मसला ये होगा कि चीज़ उससे बन जाएंगी और वैल्यूज उससे बनेंगी, विच वी डोंट वॉन्ट। तो अगेन हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है, हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है। जी हाँ, ये जो चीज़ है ना ट्यूपल तो जिप बनाता है, फिर मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया इसलिए आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, वो ट्यूपल बनाता है। और वो भी बनाता नहीं है, जब आप उसको कहेंगे ना कि आप मुझे दो एक एक करके, मिसाल के तौर पे आपने उसके ऊपर लूप चला दिया, ठीक है, फॉर आई इन जिप फील्ड्स कॉमा वैल्यूज, फिर जब लूप चलेगा तो वो एक एक करके बनाता जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेंथ सेम ना करके देख लेते हैं, एरर नहीं देता बाकी इग्नोर। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू आर, देखें कॉन्सेप्ट ये है ना, आप कह रहे हैं कि इनके पेयर्स बनाओ और इसका पेयर नहीं है, तो एक चीज़ ये हो सकती थी कि एरर दिया जाए, लेकिन इन प्रैक्टिस इट्स मच मोर यूजफुल टू इग्नोर द रेस्ट ऑफ द स्टफ। ज़्यादा डाटा आगे खैर है, छोड़ दो उसको। ठीक जी, सवाल।